डिफरेंट ऑर्गेनलीज परफॉर्म देयर स्पेसिफिक वर्क. अलग अलग ऑर्गेनलीज जो है सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज होती है उनका भी अलग अलग काम होता है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में, ठीक है, और उसे स्टोर करता है एटीपी और एडीपी के फॉर्म में. तो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. ध्यान रखना एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूसर एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. वैक्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस को, ठीक है, तो ये स्टोरेज बैग्स कहलाते हैं वैक्यूल्स. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. क्यों? क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ों को ही इन आउट होने की परमिशन देती है, परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स को ही आने जाने देती है अपनी अपने सेल वॉल से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर या अंदर की साइड. तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि सेलेक्टिव होती है अपने फंक्शन में. न्यूक्लियस, हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करने का काम करता है. मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मतलब ये है कि फूड को कैसे ब्रेक डाउन किया जाएगा, वो सारा का सारा काम किस पर रहता है, न्यूक्लियस पर रहता है. लाइजोसोम्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग्स, ये हेल्प करते हैं किसमें, वेस्ट को, टॉक्सिक चीज़ों को या फिर फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स को बॉडी से बाहर ले जाने में, ठीक है. अगर इनके कॉन्टैक्ट में कोई खतरनाक चीज़ आती है, ठीक है, लाइजोसोम्स के आसपास ऐसी चीज़ जो बॉडी को हार्म कर सकती है, तो ये क्या करते हैं, बस्ट कर जाते हैं, बस्ट करेंगे उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है. तो लाइजोसोम्स क्या कहलाते हैं, सुसाइड बैग्स कहलाते हैं, हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट. इनका काम क्या होता है, वेस्ट को रिमूव करना. ये सारा ही इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनलीज के अलग अलग काम करती है. ये ऑर्गेनलीज हैं, इनका फंक्शन क्या है, सबका अलग अलग है, देखो बटा हुआ है. माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये नहीं कर सकता, इसका काम ये नहीं कर सकता, कोई दूसरे काम नहीं, अपना काम खुद ही करेंगे. मान लो किसी बॉडी में न्यूक्लियस खत्म हो जाता है तो बॉडी वो अल्टीमेटली डाई हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. क्यों, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी नहीं, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा. माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो पावर हाउस खत्म, पावर हाउस खत्म, पावर जनरेट नहीं होगी, पावर जनरेट नहीं होगी तो बॉडी खत्म, स्विच ऑफ हो जाना बॉडी का, देख लेना.